हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है सहायक आचार्य बनने का रास्ता हो चुका है क्लियर। झारखंड में जो है जिला स्तरीय सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि अपने ही जिला के यानी कि स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी सहायक आचार्य के पद पर। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, कितना आरक्षण निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो झारखंड में फाइनली सहायक आचार्य की 80% सीटों पर यानी कि 80% जो आपकी सीटें होंगी स्थानीय नियुक्ति यानी कि स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व होंगी। तो इस बार स्कूलों में सहायक आचार्य की 80% सीटों पर स्थानीय की ही नियुक्ति की जाएगी, जो कि ऐसा पहली बार बताया जा रहा है। वर्तमान में सरकारी नियुक्ति में 60% आरक्षण का प्रावधान है, 40% सीट अनारक्षित है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक यानी कि सहायक आचार्य नियुक्ति में 80% सीट झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। जैसा कि इसमें जो है अदर स्टेट कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ स्थानीय यानी कि अपने जिला से ही आपका जो है चयन होगा आपके ही जिला में। राज्य के 6 जिलों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% यानी 40% से अधिक सीट अनारक्षित, वहीं 4 जिलों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के 20% से अधिक आरक्षण है। राज्य में प्राथमिक शिक्षक का कैडर जिला स्तरीय है। इसके अलावा इसमें 50% सीट स्कूल के पूर्व से कार्यरत पारा शिक्षक के लिए आरक्षित किया हुआ है यानी कि रिजर्व किया हुआ है। वर्तमान में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें 20,748 पद जो हैं, जो कि 80% आरक्षित हैं, और इसमें से 26,001 में से 12,869 पद राज्य के पारा शिक्षक के लिए आरक्षित हैं। पारा शिक्षक के रूप में झारखंड के स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति हुई थी, जबकि शेष 13,132 में से सरकार के आरक्षण के प्रावधान के तहत 7,879 पद आरक्षित हैं। शिक्षक नियुक्ति जिला रोस्टर पर हो रही है, जिसके चलते हर जिले में आरक्षण का बंटवारा अलग अलग हुआ है। इसमें देखिए बताया जाता है कि 7 जिलों में आरक्षण नहीं है, वो कौन कौन सा जिला है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका व खूंटी शामिल है, जिसमें की आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं किया गया है। गुमला व लोहरदगा में 47% का सिर्फ आरक्षण बताया गया है। पलामू में सबसे अधिक आरक्षण बताया जा रहा है, जिसमें कि शिक्षक नियुक्ति में 4 जिलों में से अनुसूचित जाति यानी कि SC का आरक्षण 20% है। उससे अधिक पलामू में सबसे अधिक 27% आरक्षण है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को गुमला व लोहरदगा में सबसे कम 3% है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, रामगढ़, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, रांची, खूंटी, साहेबगंज, पाकुड़, इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो फाइनली जो है अब जो नियुक्तियां होगी वो जिला स्तरीय नियुक्ति होंगी, जिसमें कि 80% जो है आपके स्थानीय लोगों को ही सहायक आचार्य बनने का मौका दिया जाएगा। तो पारा शिक्षक के लिए 50% से सीटें में से 60% आरक्षित रहेंगे। तो यही अपडेट आई है। जैसे ही इसके बारे में और अदर इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसमें देखिए EWS को लेकर भी कुछ अपडेट आई है। सभी जिलों में 10% आरक्षण EWS को दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में सभी जिलों को EWS के अभ्यर्थी के लिए 10% सीट आरक्षित यानी कि रिजर्व रहेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने पारा शिक्षक सहायक आचार्य से लेके अपडेट दे दी है। तो अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लें, बिकॉज कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ मिलते हैं।